बादल बरसे, बिजली कड़की, सर्द हवाओं ने रुत बदली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, बूंदे पड़ते ही कई इलाकों में बिजली गायब। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, अटक, मरी में भी बादल बरसे। पेशावर, डी आई खान, सवाद, कलाद, हैदराबाद में भी बारिश हुई। कराची समेत सिंध के कई शहरों में आज भी बादल। पंजाब भर में फिर अबरे रहमत की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब पुलिस और मुसल्ला अफराद में फायरिंग का तबादला। जवाबी फायरिंग के बाद दोनों मुल्जिम मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अकड़ी दीवार फैलांग कर थाने में दाखिल हुए। जेल में चार घंटे तक सर्च ऑपरेशन, मुल्जिम न मिल सके। रावलपिंडी थाना सिविल लाइन के इलाके में फायरिंग, सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमलावर फरार। राजा अरशद थाना सदर बैरूनी एचईवी में तैनात थे, बेटे को यूनिवर्सिटी से लेकर घर जा रहे थे। अहमदपुर शर्किया में ट्रक और बस में टक्कर, 16 अफराद जख्मी, 10 की हालत तश्वीशनाक। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक सूरतेहाल का जायजा। किसी भी किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। कायदा सिपा सलार का कहना है कि मादरे वतन के दिफा पर हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अवामिल की साजिश नाकाम बनाएंगे। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करूंगा, ना एहतसाब पर समझौता होगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर आबाद से मुलाकात में गुफ्तगु, बोले एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एहतसाब की राह में रोड़े अटकाने वालों को मायूसी होगी। मुल्क के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए दुरुस्त सम का तायुन हो चुका। उधर वजीर आजम इमरान खान आज सकर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंदापुर ने सकर्दू में इंतजाम का जायजा लिया। और फजलुर रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च पूरी ओपोजिशन का मुतफिका फैसला है। मुल्क भर से काफले डी चौक पहुंचेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे। तमाम जमातें मुतफिक हैं कि हुकूमत जाली है, इसकी नाहली से मईशत डूब चुकी, नए इंतखाबात कराए जाएं। उधर आज़ादी मार्च के लिए 4 बुलेट प्रूफ खसूसी कंटेनर्स भी तैयार।